जाती है। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट में क्या होता है, एक पेपर आपको दिया जाता है जिसमें 26 क्वेश्चंस होते हैं, सॉरी इनकम्प्लीट सेंटेंसेस होते हैं उर्दू में। तो आपको 6 मिनट का टाइम दिया जाता है कि उनको आप कंप्लीट करें। जब आप वो एक पेज कंप्लीट कर जाते हैं, फिर आपको दूसरा पेज मिलता है, फिर 6 मिनट, वो भी उर्दू का होता है। तो 2 26 जो है वो इनकम्प्लीट सेंटेंसेस के सेट होते हैं उर्दू के और 2 इंग्लिश के। तो ये आपने क्या हो करने होते हैं, कंप्लीट करने होते हैं। इसमें सही गलत कुछ भी नहीं है। फिर से आपको यही चीज़ जो आपको जहन में आपको ये आता है सेंटेंस, तो उसको आप कंप्लीट करें। इसमें ये है कि आप पॉजिटिवली सेंटेंसेस को कंप्लीट करें, नेगेटिव कोई बात ना कर दें, ठीक है। और जो इन सेंटेंसेस में आप लिखेंगे, वो आपकी पर्सनालिटी को जो है वो शो करेगा साइकोलॉजिस्ट के यहाँ। तो इंटरव्यू में भी इसके मुतालिक आपसे सवाल होंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर लिखा है कि मुजाहिद हर वक्त, अब मुजाहिद जो है आप जहन में सोचें हर वक्त किस, मतलब क्या करता है, किस चीज़ के लिए। मिसाल के तौर पर अगर सोचें हम तैयार रहता है, तो मुजाहिद एक जो है वो मुजाहिद का अगर आप इस उसको जहन में सोचें, तो पहली चीज़ आपकी मुजाहिद के बारे में क्या आती है, मुजाहिद वो जो जिहाद करे, सही। तो जिहाद मतलब, जिहाद ज़रूरी नहीं है कि जंग हो। अगर आप जंग की तरफ ले जाते हैं, तो इसको आप अगर नेगेटिव पर्सपेक्टिव इसका आप मतलब साइकोलॉजिस्ट के जहन में आपके माइंड का जो नेगेटिव पर्सपेक्टिव है वो शो कर रहे हैं, ठीक है। तो मुजाहिद हर वक्त क्या करता है, मतलब जहन में आप सोचें। ये टेस्ट में मत सोचिएगा, टेस्ट में जो आपके जहन में आए वो आपने लिखना है। इससे पहले जो आप घर पर तैयारी करेंगे, इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करने की प्रैक्टिस करेंगे, तो उस वक्त जहन में सोचें, बार बार प्रैक्टिस करें, तो वो चीज़ें लिखें। अब मैं आपको नहीं बताऊंगा इस सेंटेंस में क्या लिखना है, क्योंकि यही फिर क्या करते हैं, बच्चे जाके आईएसएस में लिख लेते हैं। तो ये उनकी तो ज़हानत नहीं हुई जो उन्होंने सेंटेंस लिखा है, ये ज़हानत किसी और की है। फिर जब वो इंटरव्यू में जाके बैठते हैं, उस ज़हानत के क्वेश्चंस उनसे जब किए जाते हैं, तो वो नहीं दे पाते आंसर सही से जस्टिफाई नहीं कर पाते अपने क्वेश्चंस को। तो जाहिर सी बात है, क्लेश आ जाता है, ठीक है। ड्यूअल पर्सनालिटी आ जाती है साइकोलॉजिस्ट के पास या आपके इंटरव्यूअर के पास। मतलब सेंटेंसेस में आपकी पर्सनालिटी कुछ और है, सामने इंटरव्यू में आपकी पर्सनालिटी और है, तो डिफरेंस आ गया पर्सनालिटी में। वो आपको जज नहीं कर पाएंगे डायरेक्टली, क्या हो जाता है, आप फेल हो जाते हो। तो अकेडमीज़ का यही एक थोड़ा बहुत नेगेटिव रोल होता है। सारी अकेडमीज़ क्या करती हैं, वो स्टूडेंट्स को सॉल्व जो है वो सेंटेंसेस दे देते हैं। स्टूडेंट्स की अपनी एबिलिटी वो उजागर नहीं करते। मतलब आप जो हो, जो व्यूअर हमें देख रहे हो इस वक्त, तो आप ये खुद प्रैक्टिस करें। फिर ये है कि इन पर आप सेंटेंसेस बना के किसी मेंटोर से चेक करवा सकते हैं, ठीक है, उनमें कोई नेगेटिविटी ना हो। तो इस तरह यहाँ पर आपके 10 जो हैं उर्दू के सेंटेंसेस हैं, 10 इंग्लिश के सेंटेंसेस हैं। इसमें आपने पॉजिटिविटी शो करनी है, और सेंटेंसेस कोशिश करें कि आधा तो सेंटेंस लिखा है, आपके पास टाइम कम है, तो शॉर्ट शॉर्ट सेंटेंसेस बनाएं, ज़्यादा लंबे सेंटेंसेस बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। नेगेटिव कोई बात नहीं करनी, मिसाल एहसास कमतरी आपने सेंटेंसेस में शो नहीं करनी, कोई खून रेजी वाली बात शो नहीं करनी। मतलब डिसेंटली एक सेंटेंस से आपको मिला है, तो जैसे यहाँ पर लिखा है सिपाही के लिए। अब सिपाही के लिए क्या अजीज़ चीज़ होती है, उसका वतन, उसका घर। तो उसके वतन के मुताबिक आप जो है वो यहाँ पर बता सकते हो। और सिपाही एक मैन ऑफ प्रिंसिपल होता है, उसको एक कायदे और कवानीन जो होते हैं उनको फॉलो करने वाला होता है। इस पर आप जो है वो सेंटेंसेस बना सकते हो। और यहाँ पर ऐसे कंसेनर, लास्ट टाइम आई हेड, सॉरी आई लिखा है डैश, तो इसको आप कंप्लीट कर सकते हो किसी भी तरह से। मिसाल के तौर पर आपने एक क्रिकेट खेली थी, कोई मैच जीती थी, कुछ भी, इस तरह से आप इसको पॉजिटिव ले जा सकते हो। इसको नेगेटिव तरफ जो है वो चीज़ों की तरफ मत ले जाना, उससे क्या होगा, नुकसान होगा आपका। अब ये हो गया आपका सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। तो हमने पहले जो है वो मैकेनिकल एप्टीट्यूड पे बात कर ली, सेंटेंस कंप्लीशन पे। अब आएगा कैंडिडेट दोषी।